बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों को सुहेल तारे का सलाम पहुँचे। हज़रत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम मशहूर दाना और हकीम गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 300 साल के दौरान बेशुमार लोगों का बेशुमार अदवियात से इलाज किया और इस तवील तजर्बे से मैंने ये सीखा कि इंसान के लिए इज्जत और मोहब्बत से बढ़कर और कोई दुआ नहीं। किसी ने पूछा, या हजरत, अगर ये दवा असर ना करे तो? आप मुस्कराए और फरमाया, दवा की मकदार बढ़ा दो। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान के जालिम होने के लिए यही काफ़ी है कि वह हर वक्त लड़ता और झगड़ता रहे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता खुदा की मखलूक से मोहब्बत को चुना। सोशल मीडिया की ज़िंदगी के दोस्तों, कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मसाइल की गठड़ी अपने कंधों पर उठाए जिंदगी की कठिनाइयों से नबर्द आजमा है। वो हमें पढ़ते हैं, हमें सुनते हैं, वो हमारे मस्बत अल्फाज और मस्बत रवैयों से नया जज्बा, नया जोश, मोटिवेशन और नया आहंग हासिल करते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे मनफी रवैयों, मनफी सोच और मनफी तहरीरों से आगे बढ़ने का हौसला छोड़ देते हैं। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, आइए हम सोशल मीडिया पर एक मोटिवेटेड और पुरअज़म कम्युनिटी को फ़रोग दें। मुझे ये कहना है, आओ कि अब तर्के दुश्मनी का इरादा कर लें, आओ कि अब तर्के दुश्मनी का इरादा कर लें, जिंदगी उलझी हुई है इसे सादा कर लें, इसे सादा कर लें। वस्सलाम।